Hello everyone and once again a very warm and hearty welcome to my YouTube channel. So कैसे हो आप सब? I hope आप सब fit and fine होंगे. और इसी के साथ जो मेरी previous video थी, first video English की हमारे नए session के लिए, तो उसी के साथ मेरी second video है हमारे science के लिए. तो जो science का syllabus है class 10th का, मैं इस video से उसको start कर रही हूँ. और सबसे पहले क्योंकि साइंस का जो भी आपका चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, तो उसके लिए हमें कुछ वैलेंसीज याद होना बहुत ज़रूरी हैं. हालांकि वो वैलेंसीज हमने क्लास 9th में ऑलरेडी पढ़ रखी हैं, फर्स्ट 20 एलिमेंट्स हमने याद करे हैं, बट स्टिल एक क्विक रिविजन के लिए और कुछ ऐसे बच्चों के लिए जिनको वो चीज़ याद नहीं थी, ये मैं वीडियो लेकर आई हूँ. तो सबसे पहले तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो फॉलो ऑन इंस्टाग्राम एज मैंशनड अबव. सो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो. तो जो फर्स्ट 20 एलिमेंट्स हैं, अगर उसको याद करने में कोई भी डिफ़िकल्टी आती है तो ये वीडियो आपके लिए है. तो जो फिंगर टिप्स होती हैं उस पर किस तरीके से हम फर्स्ट 20 एलिमेंट्स को याद कर सकते हैं, मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगी. सबसे पहले आपको मेरे इस वीडियो के साथ साथ अपने दोनों हाथों को बिल्कुल अपने सामने रखना है, क्योंकि फिंगर टिप्स पर ही हम सारा खेल करने वाले हैं. तो स्टार्ट करते हैं. मैं कुछ शॉर्टकट बताऊँगी और उस शॉर्टकट को आप किस तरीके से याद कर सकते हो एलिमेंट्स के कॉन्ट्रास्ट में सामने रखना है. और ये वाले वर्ड्स जो शॉर्टकट के हैं, ये आपको मेरे पीछे पीछे रिपीट करने हैं. तो स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले स्टार्ट करो अपने राइट हैंड के थंब के साथ. तो बोलना क्या है आपको? हाय, हेलो, लिसन बी बोरॉन, सी न्यूज़ ऑन फ्राइडे नाइट. ठीक है, इसको दोबारा रिपीट करते हैं 2 से 3 बारी. हाय, हेलो, लिसन बी बोरॉन, सी न्यूज़ ऑन फ्राइडे नाइट. तो ये आपके 10 चीज़ें, 10 वर्ड्स आपको याद हो चुके होंगे. अदरवाइज यहाँ पर देखो, स्टार्ट करेंगे थंब से. हाय, हेलो, लिसन बी बोरॉन, सी न्यूज़ ऑन फ्राइडे नाइट. ठीक है, ये हमारे कुछ सीक्रेट वर्ड्स हैं जो हमने याद करे हैं. दोबारा रिपीट कर लो एक बारी. हाय, हेलो, लिसन बे बोरॉन, सी न्यूज़ ऑन फ्राइडे नाइट. तो ये हमारे 10 वर्ड्स याद हो गए. अब इनसे एलिमेंट्स कैसे याद करने हैं मैं आपको दिखाती हूँ. हाई मतलब एच से स्टार्ट होता है, तो एच से क्या होता है हमारा? हाइड्रोजन होता है. हाइड्रोजन का सिंबल हमारा एच होता है. सेकंड हमारा कहता है हाई, तो हाई मतलब एच ई. हालांकि हम उसको एच आई लिखते हैं, बट यहाँ पर हम उसको एच ई से भी याद कर सकते हैं. तो एच ई क्या होता है आपका? हीलियम. हीलियम का सिंबल एच ई. सेकेंड थर्ड आपका आता है लिसन. लिसन का एल आई क्या होता है आपका? लिथियम, क्योंकि लिथियम का सिंबल क्या होता है? एल आई. थर्ड फोर्थ वर्ड आपका आता है बी. बी से क्या होता है आपका? बेरिलियम. तो बेरिलियम को क्या लिखते हैं हम? बी ई. तो आप ऐसे याद कर सकते हो. फिफ्थ वर्ड क्या आता है आपका? बोरॉन. बोरॉन को हम एज इट इज़ बोरॉन ही याद कर लेते हैं. सिंबल क्या होता है इसका? बी. सिक्स्थ वर्ड हमारा आता है सी. तो सी को हम वैसे हम सी ऐसे लिखते हैं, बट यहाँ पर क्योंकि हम शॉर्टकट याद कर रहे हैं तो शॉर्टकट में हम उसको कैसे याद करेंगे? सिंपल सी से. और सिंपल सी किसका सिंबल होता है? हमारे कार्बन का. सेवेंथ वर्ड हमारा आता है न्यूज़. न्यूज़ का वर्ड फर्स्ट क्या है? एन. और एन क्या होता है आपका? नाइट्रोजन. नेक्स्ट वर्ड हमारा आता है ऑन. ऑन किससे स्टार्ट होता है आपका? ओ से. और ओ से क्या होता है आपका? ऑक्सीजन. नेक्स्ट वर्ड हमारा आता है फ्राइडे. फ्राइडे किससे स्टार्ट होता है? एफ से. और एफ से क्या होता है हमारा? फ्लूरीन. लास्ट वर्ड हमारा आता है नाइट. नाइट किससे स्टार्ट होता है? एन से. और एन से हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या आता है हमारा? नियॉन, जिसको हम लिखते हैं एन ई. ठीक है, तो ये हमारे फर्स्ट 10 एलिमेंट्स थे. इसको एक बार दोबारा रिपीट कर लेते हैं फिंगर टिप्स पे ही. हेलो, हाय, लिसन बे बोरॉन, सी न्यूज़ ऑन फ्राइडे नाइट. और वर्ड्स क्या क्या होंगे इसके एलिमेंट्स? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन. तो ये हमारे 10 एलिमेंट्स हमें यहाँ पर याद हो गए. अगर कोई दिक्कत है तो आप दोबारा वीडियो को रिवर्स करके इस चीज़ को दोबारा रिपीट करो. एक से दो बार रिपीट करोगे अपने आप आपको चीज़ें याद हो जाएंगी. तो मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट 10 वर्ड. हमने फर्स्ट 10 एलिमेंट्स याद करे थे, सेम उसी तरीके से हम अपने बाकी के 10 एलिमेंट्स भी याद करेंगे. तो स्टार्ट करेंगे हमारे दोबारा राइट हैंड के थंब के साथ. तो इस बार आपको क्या बोलना है? ना मांग अल्लाह से पेप्सी सोडा, कोका कोला और काजू कतली. ठीक है, दोबारा स्टार्ट करेंगे. ना मांग अल्लाह से पेप्सी कोला सोडा और काजू कतली. ठीक है, ये वर्ड्स हैं, आप इसको दोबारा अपने हैंड पर रिपीट कर सकते हो. ना मांग अल्लाह से पेप्सी सोडा, कोका कोला और काजू कतली. अब देखो, हमने स्टार्ट किससे करा था? ना से. ना मीन्स एन ए. एन ए किसका सिंबल होता है आपका? सोडियम का. नेक्स्ट उसके बाद मांग. मांग मीन्स एम जी. एम जी किसका सिंबल होता है हमारा? मैग्नीशियम का.
थर्ड वर्ड था हमारा अल्लाह। अल्लाह किससे स्टार्ट होता है? ए एल से। और ए एल क्या होता है? हमारा एल्यूमिनियम। उसके बाद से मीन्स एस आई। एस आई किसका सिंबल होता है? हमारा सिलिकॉन का। नेक्स्ट हमारा पेप्सी। पेप्सी किससे स्टार्ट होता है? पी ई से। तो पी क्या होता है? क्योंकि पी ई कुछ नहीं होता है, खाली पी होता है हमारा क्या? फॉस्फोरस। ऐसे ही सोडा का एस। एस क्या होता है? हमारा सल्फर। कोका कोला का सी एल। सी एल क्या होता है? हमारा क्लोरीन। और का ए। ए क्या होता है? हमारा आर्गन। काजू का के। के क्या होता है? हमारा पोटेशियम। और कतली का सी ए। सी ए क्या होता है? हमारा कैल्शियम। तो ये हमारे बाकी के 10 एलिमेंट्स। 10 एलिमेंट्स कौन से थे? हेलो हाय लिसन बे बोरॉन सी न्यूज़ ऑन फ्राइडे नाइट। ये हमारे 10 एलिमेंट्स थे। और बाकी के 10 एलिमेंट्स हमारे कौन कौन से हैं? ना मांग अल्लाह से, पेप्सी सोडा, कोका कोला और काजू कतली। तो ये हमारे 20 एलिमेंट्स इस तरीके से याद हो गए। कोई भी चीज़ हो, दोबारा समझ ना आई हो आपको, आप दोबारा इस वीडियो को रिवर्स करो, 2-3 बार मेरे साथ में वीडियो के साथ बोलो और फिर इसके एक बार सिंबल्स देख लो, आपको अपने आप ये चीज़ें याद हो जाएंगी। और एटॉमिक, अब इसमें दो चीज़ें आती हैं, एक आती है आपका एटॉमिक नंबर और एक आता है आपका वैलेंसी। तो एटॉमिक नंबर बेसिकली क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है कि जिस नंबर पर आपके, जिस फिंगर पर आपकी एलिमेंट आ रहा है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि बेरिलियम किस पे आएगा, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर क्या होगा, तो हमने कैसे याद करा था? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। तो तीसरी जो हमारी चौथे फिंगर है उस पे हमारा बेरिलियम आया, 1, 2, 3 और 4। तो एटॉमिक नंबर क्या हुआ आपका? 4। तो ये चीज़ें तो बेसिक हैं, आपने 9th में पढ़ी होंगी। तो एटॉमिक नंबर बेसिकली क्या होता है? नंबर ऑफ एटम, कि कौन सी सीरीज में कौन से नंबर पर वो एलिमेंट आ रहा है। ऐसे ही आपकी दूसरी चीज़ में आती है वैलेंसी, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी केमिकल इक्वेशंस बनाने में। तो वैलेंसी क्या होती है? एक एलिमेंट को जितने भी इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं अपने आउटर शेल को कंप्लीट करने के लिए, वो हमारी वैलेंसी कहलाती है। फॉर एग्जांपल हमें पता है कि हमारी 4 शेल्स होती हैं, के, एल, एम और एन। शेल्स की कैपेसिटी कितनी होती है? पहले शेल में हमेशा 2 एलिमेंट्स आते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, और बाकी सब में 8, 8 और 8 आते हैं, ठीक है। तो इनको आउटर शेल कंप्लीट करने के लिए जितने भी इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं वो हमारी वैलेंसी कहलाती है। फॉर एग्जांपल अगर किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका ऐसे है, सॉरी जो कंप्लीटेड है ऑलरेडी ऐसे है, तो आउटर शेल कितनी, ये तो कंप्लीट है ऑलरेडी, इसको 2 चाहिए, 2 इसके पास ऑलरेडी हैं, इसको कितने चाहिए? 8 चाहिए कंप्लीट होने के लिए, पर इसके पास हैं कितने? 6। अब ये 6 को लूज़ कर सकता है या 2 को गेन कर सकता है अपना आउटर शेल कंप्लीट करने के लिए, मतलब या तो उसको 0 बना ले या उसको 8 बना ले, बीच को ऑप्शन ये ना रखे। तो 0 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 6 इसको किसी को देने पड़ेंगे। अब 6 को देने में मेहनत ज़्यादा लगेगी और 2 को लेने में मेहनत कम लगेगी। अब देखो ना, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास 6 जोड़ी कपड़े हैं, आपके पास 6 टॉप्स हैं, मतलब 6 टी शर्ट, 6 टॉप्स, कुछ भी एग्जांपल ले सकते हो। आपकी मम्मी ने बोला है कि तुम्हें 8 कपड़े अपने पास करने हैं। अब ये तो 2 तुम अपनी बहन से ले लो या 6 अपनी बहन को दे दो, तो दिल किस में ज़्यादा दुखेगा आपका? बुरा किस में ज़्यादा लगेगा? 6 देने में बुरा लगेगा या 2 लेने में अच्छा लगेगा? 2 लेने में अच्छा लगेगा ना, क्योंकि कम है वो चीज़। तो सेम चीज़ यहाँ पर है, 6 को लूज़ करने के लिए इसको एनर्जी ज़्यादा चाहिए, तो वो नहीं कर सकता। तो ये क्या करेगा? किसी से 2 गेन कर लेगा और अपना आउटर शेल 8 को कंप्लीट कर लेगा। तो जो 2 इसने गेन करे हैं ये इसकी क्या होगी? वैलेंसी। जितने इसको मिले हैं अपना आउटर शेल कंप्लीट करने के लिए वो क्या कहलाएगी? इसकी वैलेंसी कहलाएगी। तो आई होप आपको एटॉमिक नंबर, वैलेंसी और फर्स्ट 20 एलिमेंट्स की चीज़ें याद हो गई होंगी। नहीं समझ में आए हो, कोई डाउट हो, दोबारा आप वीडियो को रिवर्स करके देख सकते हो। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना ना जाना। आई होप यू लाइक इट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।